हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं आपको एक ऐसा DIY बताने जो हर घर में यूज़ होता है। जैसे कि हम अलमारियों में ये पेपर बिछाते हैं, या तो हम वॉलपेपर ले आए या पन्नी बिछा देते हैं, तो वो कुछ समय के बाद, पेपर तो बहुत जल्दी फट जाता है, पन्नी भी है कुछ समय बाद फट जाती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की बोरी से एक DIY। इसमें पन्नी बिछाने वाला काम जो है उसको ख़त्म हो जाएगा, ये काफ़ी दिन चलेगी। तो ये हमने एक आटे चावल की बोरी ले ली है, इसको हमने अलमारी के साइज का नाप के कट कर लिया है। इसके ऊपर नीचे का पार्ट हटा दिया था और ये हमने अलमारी के साइज का नाप लिया है और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने कट कर दिया है। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, इस तरह से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा दिया देंगे। अब हम इस बोरी के नाप लिया था हमने, तो ये हमारी डोरी है, तो इसके हम दो पार्ट बना लेंगे। तो इसको हम बीच से कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है, ये हमारे टू पार्ट हो गए हैं। अब इसमें हम एक लगाएंगे कपड़ा। ये देखिए, मेरी पुरानी बेड शीट थी, फटी हुई थी, तो इसको हमने इसमें लगाने के लिए कट कर लिया है। इसको दोहरा करके काटना है, इसको नाप के काट लेना है। देखिए कट गई है। अब हम इसको पहले दोनों पार्ट कपड़े के एक साथ रखेंगे, बोरी को उसके ऊपर रख के उसके तीन पार्ट को सिल लेंगे। ये हमने उसमें सिल लिया है। ये जो हमारा जो एक पार्ट बचा था उसको अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये उल्टा था अभी, तो इसको हमने सीधा कर लिया है। अब इसका जो ये चौथा पार्ट था उसको भी हम अच्छे से फोल्ड करके सिल लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसमें सिलाई डाल लेंगे। ये हमारा पार्ट सिल गया है। अब ये हमारे चारों साइड्स जो थी वो सिल चुकी हैं। अब ये बीच में जैसे कपड़ा उठ रहा है, बोरी से अलग हो रहा है, तो इसमें हम ऐसे तिरछी या जिस तरह से आप चाहें उस तरह से इसमें सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कपड़ा और बोरी अच्छे से जॉइंट हो जाएगी और ये हटेगी नहीं, ऊपर हटेगी भी नहीं और खिसकेगी भी नहीं। तो इस तरह से देखिए, हमने पांच से चार या पांच सिलाई हमने बीच में इसके डाल ली है। और ये देखिए, हमने इसमें अलमारी में अच्छे से बिछा दिया है। अब इसमें हम कोई कपड़ा भी रख सकते हैं और भी कोई सामान अलमारी में रख सकते हैं। तो ये हमारी मेरा वीडियो जल्दी पसंद से है तो लाइक फटेगी करें, नहीं। शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब